हेलो एवरीवन, आज के इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है हिल्सा फिश के साथ। किस किस को हिल्सा फिश खाना पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मार्केट गए थे, वहाँ पे अच्छा अच्छा हिल्सा फिश आया हुआ था, तो सोचा ले लें एंड अच्छे से इसको धो के मैरिनेट कर दिया है लबन और नमक और हल्दी के साथ, और इसको अभी फ्रिज में रख देंगे। सो वीकेंड्स में हम लोग ज़्यादातर ग्रॉसरी एंड नॉनवेज आइटम्स परचेस कर लेते हैं, सो वीकडेज चल जाता है, तो इसको अभी मैं रख दूँगी फ्रिज में एंड बाकी का ब्लॉग शुरू करते हैं। इस बैग में है खजाना, बैंगलोर का फर्स्ट मार्केटिंग ग्रॉसरी मार्केटिंग, ग्रॉसरी नहीं है ना ये, मिक्स्ड काइंड ऑफ मार्केटिंग। चलो इस खजाने को जो ना ओपन करते हैं, एंड यहाँ पे जो जो सामान अभी निकालेंगे ना वो सब कोलकाता सोलाना से हमने मार्केटिंग किया है। सो यहाँ पे पता है ये वाला क्या है, बताशा, ये बताशा है, दूसरा वाला नुकुलदाना। तो ये दोनों हम भगवान जी के लेके आए हैं, भगवान जी को जो प्रसाद होता है ना वो देने के लिए। यूजुअली ये जो है नुकुलदाना ये मिल जाता था चेन्नई में, बताशा बहुत कम मिलता था, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे नज़र में तो कभी ये आया ही नहीं है। उसका प्राइस पता है नुकुलदाना का प्राइस कितना है, 60 एंड उसका 55. है 55। सो यस, ये मेरा एकदम फेवरेट है मुरुक्कु। ये तो लोकल शॉप से मिल गया था, तो पहले मतलब जो खरीदा था वो खत्म हो गया, तो सोचा और एक ले लो। ये लोकल शॉप से हमने खरीदा था। इसका साइज कितना बोला हम लोगों ने, 60 इसका। तो ये जो कोट थी ना, इसमें जो मैंने कहा था सोफियाना ट्रेडर्स, जिसमें फ्रूट्स एंड नट्स का सारा मिल रहा था, चॉकलेट्स एंड ऑल, इस कोटी में वो है। ये मैं बाद में, ये नहीं चकली नहीं, चिक्की, पीनट चिक्की, इसका प्राइस है 19। ये पता नहीं शिवम को क्या पसंद है, ये उसको ये खाना है, तो मैंने कहा चलो अभी जितने भी चीजें निकाल रहे हैं ये सब कोलकाता छोलाना से। एंड यस, दिस इज आल्सो वन ऑफ द फेवरेट, ये है काशुंदी। इसको आप ना गर्मा गर्म चावल एंड दाल के साथ थोड़ा इसको साइड में ले लो, एज अ साइड डिश, चटनी के हिसाब से बड़ा अच्छा लगता है। एंड ये मस्टर्ड काशुंदी है और इसका प्राइस है 48, 300 ग्राम का बॉटल है ये, एंड दिस इज 48। सो ये एक है शोला आना, बहुत सुना है, बहुत देखा है इसके वीडियोस, तो हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए गए थे कि देखें कि कैसा है ये कोलकाता शोला आना, जैसा वीडियो में हम देख रहे हैं क्या सही में वैसा कुछ है। तो डेफिनेटली वैसा ही है, वहाँ पे मतलब आपको पूजा से रिलेटेड जो भी सामान चाहिए सारा कुछ मिल जाता है। सो ये एक हमने लिया है। हम लोग एक्चुअली खोज रहे थे धूप, जो छोटा वाला होता है ना धूप, वो हम ढूंढ रहे थे बट वो मिला नहीं है, तो चलो सोचा कि यही छोबा मतलब शाम के समय आप अगर दोगे ना बहुत अच्छा लगता है, पूरा घर एकदम धुना धुना जैसा। 80 रुपीज था। एंड यस, दिस इज द मेन शो स्टॉपर कह सकते हो, ये है घी। एंड इसका जो स्मेल है ना बहुत टेम्पटिंग टी है, जो स्मेल है ना बहुत टेम्पटिंग है, गर्मा गर्म राइस उसके ऊपर ये घी एंड एक हरी मिर्ची, वाओ। सो उसका स्मेल बहुत अच्छा है, तो उन लोगों ने कहा है कि इसको आप ना फ्रिज में मत रखो, बाहर रख दो तो भी चलेगा, वैसे बैंगलोर का क्लाइमेट गर्मी तो है नहीं, बाहर भी रख सकते हो। तो ये हमने लिया घी, तो कत नहीं अच्छा 20, तो ओ इसका प्राइस है 200। इतना छोटा सा बोल रहे, वहां पे और भी घी था बट सिंस ये वो खुद बनाते हैं, तो अन्य घी गुलो की चिलो। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर ये वाला घी ये वो लोग खुद यहाँ पे बनाते हैं, बैंगलोर में बनाते हैं। एंड दूसरा और एक जो था वो जो है ना वो दूसरा वाला घी वो कोलकाता से आता है, तो हम लोगों ने वो बहुत बड़ा था, लाइक बड़ा झरना घी, तो वो जो है ना वो बहुत बड़ा बॉटल था, तो हमने इसका इतना बड़ा बॉटल नहीं चाहिए, तो ये छोटा वाला काफी है। और इसका प्राइस 200, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना कोई भी लेबल नहीं है, तो ये खुद वो लोग बनाते हैं। अरे वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हाँ छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सो ये है, उसके बाद पोटली से कुछ ना कुछ निकल ही रहा है। एंड यस, दिस इज द वन पांच पूरन, वैसे हम लोग घर में पांच पूरन वैसे बनाते भी है ना थोड़ा सा, बट इसमें एक पैकेट में ही पूरा पांच पूरन मिल गया है, जिसमें है पान मोड़ी, मेथी, उसके बाद कलौंजी। सो एक बार यहाँ पे दिखा दो, तो ये सारा पूरा एक पांच पूरन का एक पैकेट है, तो ये हो गया इसका। ये 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का प्राइस है 33। सो ये
ज्यादा तो सबने वहां से खरीदा नहीं, हम सिर्फ गए थे कि ये शॉप कैसा है, कहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ, तो वो देखने के लिए गए थे। तो वही है, एंड द मेन शो स्टॉपर हम लोग खास इसी के लिए गए थे, और थोड़ा सा पूजा का बर्तन या फिर पूजा का कुछ मिलता है तो वो भी देखने गए थे। तो पूजा का कुछ खास हमें मिला नहीं है, बस वो जो दिखाया आपको नकुलदाना बताशा एंड वो छोबा वो ही लेके आ गए। और दूसरा है ये द शो स्टॉपर, एक तो वो घी दिखाया वो भी इम्पोर्टेंट है, और नीचे रख दो। हाँ यहाँ से निकलता है ये देखो। तो ये नवोदीप खीर दोई है, तो बहुत सुना है इसके बारे में, बहुत टेस्टी है, अब खाने में पता चलता है कितना टेस्टी है, इसलिए मैंने जस्ट ट्रायल पैक के लिए छोटा वाला लिया है। और नीचे में देखो इस तरह से ना इन्होंने कुछ पैकिंग ऐसे दे के रखे हैं, तो ऊपर में कहा है कि पूरा मलाई रहता है और नीचे की तरफ जो दही है वो है। सो दिस इज द शो स्टॉपर, अब इसको खोलते हैं और खाएंगे फिर बताएंगे कि कैसा है ये। ठीक है, ये जस्ट मिनी पैक है, छोटा वाला है, बड़ा वाला भी मिलता है। छोटा छोटा का दाम तो नहीं है सर? 200, और बड़ा वाला तो 400, 400। हाँ तो ये इसका है 200 और जो बड़ा वाला है वो 400। तो ये अगर खा के अच्छा लगा तो लेके बड़ा वाला नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो चॉकलेट बॉक्स अभी जितना भी दिखाया वो सारा था कोलकाता शोलाना से खरीदा। एंड उसके बाद हम लोग जो कल चल के आया ना पोटली, दूसरा वाला पोटली, ये वो शियानी शियाफी सूफी सूफियाना सूफियाना ट्रेडर्स से। सो पहला निकलता है ये, दिस वन, दिस इज व्हाट डबल डिलाइट बिस्किट का बिस्किट कराची बेकरी। ठीक है, ये देखो कराची बेकरी एंड दिस इज द डबल डिलाइट बेकरी का बिस्किट है। इसका बड़ा प्राइस प्राइस लिखा नहीं है, इस तरह देखो। ओह यस, 400 का है, 400 ग्राम एंड 210 इसका प्राइस है। कोई डिस्काउंट चाहिए आइटम अंदर? कोई डिस्काउंट नहीं है, तो ये एक है। और हाँ, इस शॉप में हम लोग जो गए थे ना तो शिवांक को मैंने कहा कि चलो हम लोग तो खरीदे हैं, तो जब बाहर जाते हैं बेसिकली शिवांक ही कैमरा हैंडल करता है, तो मैंने शिवांक को कहा कि शिवांक चलो तुम इस शॉप का ना बाहर से शूट करते हुए आओ। एंड उसने मतलब चालू ही किया था तो वहां के जो जो ओनर थे ना, ओनर थे कि जो काम करने मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट जो है पता नहीं ओनर ही होंगे, तो उन्होंने कहा कि पहले तो हमने पूछा, इन्होंने पूछा कि हम आपकी दुकान का थोड़ा सा वीडियो करते हैं, थोड़ा सा वीडियोस लेते हैं, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे ही शिवांग ने शूट करना शुरू किया तो वो बंदा अपने पार्टनर को बोला अरे वीडियो कर रहा है वीडियो कर रहा है, तो फिर मैंने शिवांग को स्टॉप कर दिया कि मत करो। बट उसके बाद क्या हुआ, जब हम बिलिंग सारा सामान हो गया, हम बिलिंग करने के लिए निकले, मतलब बिलिंग कर रहे थे, तब उस जो ओनर है लेडी थी तो उसने कहा कि उसने शिवांग से को पूछा कि आपको ये दुकान अच्छा लगा, यहाँ के आप जो वीडियो कर रहे थे, तो ये बात उसने शिवांग को पूछा, तो शिवांग ने कहा मुझे अच्छा लगा क्योंकि इतना सारा चॉकलेट डार्क चॉकलेट बिस्किट ऐसे बेकरी बिस्किट, उसके बाद क्या बोलते हैं नट्स, इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नट्स थे ना, तो इसलिए उसे अच्छा लगा उसने कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम यहाँ पे वीडियोस नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि उनका जो सीसीटीवी फुटेज और जो कैमरा वगैरह लगा था ना वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो ये उन्होंने एक्सक्यूज दिया। बट मुझे समझ में नहीं आया उनके सीसीटीवी कैमरा के साथ हमारा शूट करने का क्या लिंक है। तो एनीवेज हमने इसलिए कुछ आपको दिखा नहीं पाए कि अंदर क्या है। तो ये एक है, एक हिंट दे सकते हैं, बहुत सारा चॉकलेट था, बहुत सारा बेकरी, हिंट थोड़ा सा हिंट दे दिए। और ये रहा डार्क चॉकलेट, 90% कोका कोको सुप्रीम डार्क 100 ग्राम का है, ये शिवांग को बहुत पसंद आया। तो उसमें वैसे बहुत सारे थे वहां पे, तो शिवांग ने ये वाला ही लिया है। ये कैसा है, खा के देखेगा ना शिवांग? कल आज नहीं। इसका प्राइस कहाँ? इसका प्राइस तो डॉलर में है, बट इसका प्राइस कितना था पापा? 420 का। तो 420 किस तरह से खाना है पता है ना? डार्क चॉकलेट है भाई। हाँ डार्क, थोड़ा सा ऐसे करके करके ना खा लेंगे हम लोग। डार्क चॉकलेट वैसे कहते हैं नॉर्मल चॉकलेट से, डार्क चॉकलेट बहुत अच्छा होता है ब्रेन के लिए, बहुत अच्छा होता है हेल्थी या ब्रेन पता नहीं, बट अच्छा होता है इतना मालूम है। तो ये एक है, तो ये तो ये जो चॉकलेट है ना ये तो एक महीना चलेगा। अगर अगर ये मेरे लिए होता ना तो उसके एक महीने से ज्यादा चलाते, अभी सब सबके लिए।
ये मुझे लगता है ये 1 वीक या 2 वीक में खत्म हो जाएगा. ओके, उसके बाद फिर से ये तो मेरा ये भी ये मेरा वाला स्टाइल मिस ये थोड़ा मोटा है, ये थोड़ा मोटा है तो ये किया है. ठीक है, ये मतलब शिवांग की शॉपिंग हो गई है. ये वाला मैं बाद में दिखाऊंगी आपको. ये उसके साथ और एक है, ये मेरी चॉइस का इसलिए अभी नहीं दिखाऊंगी. एंड ये भी खोला, ये है काजू और ये हमने लिया है 115 ग्राम का और इसका प्राइस 123. ठीक है, अभी सारे डेट्स ही आएंगे. उसके बाद ये है रेजन्स यानी कि किसमिस, ये भी हमने 115 ग्राम का लिया है, ये पड़ा 52. और नेक्स्ट ये है डेट्स, सुल्ताना डेट्स. वहाँ पे बहुत टाइप्स ऑफ डेट्स थे तो मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मैं कौन सा लूँ. फिर जाके हस्बैंड ने ये वाला लिया है और ये लिया है 245 ग्राम का और 147 इसका प्राइस है. इसके बाद ये क्या है, अखरोट, दिस इज द अखरोट, अरे हाँ वॉलनट, कश्मीरी वॉलनट 200 ग्राम का है एंड 359, यस हाँ 359 इसका रेट है. और इसके बाद क्या निकलता है, ये क्या है, अच्छा ये है आलमंड. ठीक है, ये भी 120 ग्राम एंड 106 इसका प्राइस है. तो ये सारे हो गए डेट्स, वॉलनट, डेट, आलमंड, काजू, किसमिस, तो ये सारा हो गया. मुझको तो ये ज्यादा पसंद आएगा, ये और M&M. And the last one, ये दो. Last but not the least, ये दो. ये ना एक एक करके दिखाओ. ये पता है देसी पॉप्स रियल आम. और ये सही, मैंने सोचा था ये इमली का होगा बट ये है आम का. ठीक है, ये एक है एंड देन उसके बाद निकलता है मसाला इमली शॉक. ये खाओ के, ये वाला खा के ना आप शॉक में चले जाओगे. मसाला इमली का है, 6 रुपीज का है और ये पता नहीं कितना लिया उन्होंने, एक पोर्शन आप ये वाला पोर्शन देख पा रहे हो, ये दही है और ये जो है ना ये है खीर. इसको खाते हैं अभी, टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं. मुंह के अंदर जाते मिक्स हो गया, जो मलाई है जो खीर है वो बहुत सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है और नीचे की तरफ दही. टू गुड. मुझे भी खिलाओ. आपको भी चाहिए? अभी ये खाएगा शिवांग. कैसा है? टेस्ट है? फर्स्ट यू आर गेटिंग द हर्ड खीर देन दही, एकदम मस्त है. सो ट्राई दिस. तो अभी चलो अभी हस्बैंड को खिलाते हैं, देखते हैं उनका क्या है. कम फर्स्ट
তুমি তো শুধু খিরটা খেয়েছো, দইটা খেয়ে দেখো। How is it? मैंने और शिवांग ने अपना रिव्यू दे दिया। You also tell। बढ़िया, very nice, very nice। इनके तो आँख ही बंद हो रहे हैं। I'm enjoying। एक्टर ना? हाँ? और एक। ये मतलब हम लोग अभी खत्म कर देंगे। अंदर का दही दो। ये तो मज़ा ही है। टेस्टी ना? एक्सेलेंट। टू मतलब वर्थ इट है, राइट? 200? 200 इज़ रियली वर्थ। तो नेक्स्ट टाइम बड़ा वाला कोलकाता शुलवाना से ये वाला जो बड़ा वाला है ना नवदीप खीर दोई बड़ा वाला हम लोग लेने वाले हैं, राइट? जब भी उस तरफ जाएंगे। और हाँ, वो लोग का खुद का वेबसाइट है एंड उनका खुद का वेबसाइट भी है एंड आपको अगर कुछ चाहिए होता है तो आप उनसे मंगवा भी सकते हो। वो लोग होम डिलीवरी भी करते हैं एंड उनका खुद का मिठाई का शॉप भी, जो मैंने कहा था अपने पहले वाले ब्लॉग में, खीर कदम, राइट? खीर कदम है ना? खीर कदम। तो वहां पे भी उस शॉप को भी एक्सप्लोर करने जाना है। तो ये तो हम लोग नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मंगवाने वाले हैं। इसका वीडियो मैंने देखा था तो मैंने सोचा कि इसको मुझे ट्राई करना है, तो मैंने ट्राई किया एंड चुम्मेश्वरी बहुत अच्छा है। चुम्मेश्वरी ये मतलब पूरा खा लेते, बिरयानी खाने की जरूरत नहीं है। डूड, अभी मेरे मुंह में खीर इतना नहीं है लेकिन दही बहुत ज्यादा किया। तो बेसिकली इसके ऊपर पूरा रहता है मलाई, खीर नीचे की तरफ रहता है दही। सो टू गुड। 200 के लिए तो अच्छा, ठीक है, कल के जो रखे थे इनको भी कल के लिए रखना है। अभी खत्म कर कल के लिए रखो रखो रखो। सो दिस इज द सो स्टॉप। और बेस्ट पार्ट की এটা মধ্যে এটা হাড়িতে দিয়েছে, কি বলতে হ্যাঁ পট মে দিয়া হ্যাঁ মাটি ভালো है। इसको हम लोग बंगाल में पातिल भी कहते हैं, पातिल भी कहते हैं, नहीं पातिल ही। तो ये जो नवदीप का खीर दही है ना, ये तो हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप कोलकाता शोलोनर में जा रहे हो या जाते हो तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आप मिठाई जो भी खरीदो, बट ये जो है वाला दही, बट ये वाला जो पातिल वाला दही है ना, नवदीप खीर दही, इसको लेना तो भाई मत भूलिए। ये तो मस्ट है, कुछ और लो या ना लो ये जरूर ले लेना। बाय बाय।